हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर वन से, जो आपको शिपयार्ड के पास करनी है। सबसे पहले आपको एक ग्लोवाल यहाँ इस एल बिल्डिंग के ऊपर लगाना है, फिर आपको दो और ग्लोवाल चाहिए वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। जैसा आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने ग्लोवाल किस तरीके से लगाए हैं, तो आपको भी सेम इसी तरीके से ग्लोवाल लगाने हैं। फिर आपको ऊपर से एल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है, वहाँ पर आपको ग्लोवाल के ऊपर जंप करना है। जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर मैं एल बिल्डिंग के ऊपर आ गया हूँ। फिर ग्लोवाल के पास आके आपको स्कोप अपना ओपन करना है और ग्लोवाल के ऊपर चढ़ना है। इसके बाद आपको दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जंप करना है, और जब आप दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जंप करोगे उसके बाद फिर से आपको जो पहले दो ग्लोवाल लगाए थे उनके ऊपर चढ़ना है स्कोप ओपन करके। तो जब आप स्कोप ओपन करके उनके ऊपर चढ़ोगे तो आप इस बड़े वाले मकान के छत पे आ जाओगे। यहाँ पे आके भी आप अपना रैंक पुश कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एनिमी है उनको पता नहीं चलेगा कि जो बंदा है वो कैंप कहाँ पर कर रहा है, और यहाँ पर आप हर तरफ नज़र रख सकते हो। तो चलिए ट्रिक नंबर टू को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिससे हम जोन देखते हैं या नेक्स्ट ईयर ड्रॉप देखते हैं, तो उस पर हम लैंडमाइन जो है इनविजिबल लगा सकते हैं। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, मैं उसके ऊपर बैठ गया हूँ। आपको आराम से इसके ऊपर एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पर भी इनविजिबल लैंडमाइन लगा सकते हो। आप वीडियो में देख सकते हो जो लैंडमाइन है पूरी तरीके से इनविजिबल हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है लैंडमाइन लगाने के लिए, बहुत सारे बंदे इसको यूज़ करने के लिए आते हैं यहाँ। अब बात करते हैं आज की दो कमेंट्स के बारे में, जो एक यश ने की और दूसरी फैसल ने की है। तो आप बात करते हैं ट्रिक नंबर थ्री की, जिसके लिए आपको एकेडमी में जाना है इस लॉन्च पैड के ऊपर। फिर आपको सीधा निशाना इस बिल्डिंग के ऊपर लगाना है, तो आप इस बिल्डिंग के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे भी आप अपनी रैंक पुश कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई एनिमी देख नहीं पाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है रैंक पुश करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।